साधु संथ मानक उपरे अत्याचार को नहीं उद्वेग प्रकाश कला हिंदू महासंघ। गत 16 तारीख में कटक जिला स्थित सर्दापुर भागवत आश्रम साधु गोविंद चरण दास को एएसआई पवित्र मोहन पटनायक उल्लंघन कर पिटवा को धमक देते। विरुद्ध राज्यर विभिन्न स्थान में हिंदू महासंघ, विश्व हिंदू परिषद एवं अन्यान्य संगठन तरफ एतला एवं अभियोग पत्र प्रदान कराई, किंतु समस्त प्रमाण थिबा सत्वे प्रशासन पक्ष दृढ़ कार्य ग्रहण करा एक अभियोग कर हिंदू महासंघ। हिंदू महासंघ केन्द्रीय समिति प्रमुख श्री जयंत कुमार पात्र सांबादिक सम्मेलन गभीर उद्वेग प्रकाश कर आईन अनुजाई दोषी व्यक्ति प्रति कार्य ग्रहण नक राज्यव्यापी आंदोलन कर चेतावनी देखते। दीर्घ तीन दिन है देवगिरी आश्रम क्रांति बाबा आमरण अनुष्ठान बस बाबा अनुष्ठान को संपूर्ण समर्थन जन हिंदू महासंघ मार्गदर्शक मंडल अध्यक्ष ब्रह्म अवृत सौभाग्य बाबा गोटे दिन तले धारणु आज निज कोटा आश्रम बस से व्यक्त कर साधुसंत अत्याचार को आउ संत समाज सहयोग करना। हिंदू महासंघ केन्द्रीय समिति संयोजक नरसिंह त्रिपाठी से अपकर्म को विरोध कर गत काली सकाळे एवं राति दुई थर गूगल मीट जगे केन्द्रीय युव हिंदू महासंघ प्रमुख लोकनाथ पाणिग्राही, केन्द्रीय प्रवक्ता श्री राम मुदली, भवानी बाहिनी प्रमुख अंबिका प्रधान, ओडिया हिंदू महासंघ विभाग एक संयोजक निखिल साहू, दक्षिण ओडिशा युव हिंदू महासंघ प्रमुख स्वागतिका सामंतराय, नवरंगपुर जिला युव हिंदू महासंघ संपादिका अन्नपूर्णा भत्रा, महासंघ आईन परामर्शदाता अरुण प्रसन्न पटनायक, कन्हैलाल गुप्ता, बाबूलाल हरिजन, ओडिशा हिंदू महासंघर प्रमुख कार्यकर्ता माने क्रांति बाबा सह आलोचना करते। समस्या शीघ्र समाधान पर बुद्धिजीवी माने सरकार निकट निवेदन कर। नवरंगपुर उमेश चंद्र पात्र रिपोर्ट, ओडिया ट्रेंड न्यूज। पुला चेतावनी दूसरी साधु संत मानी आक्रमण हम नरसिंहपुर थाना अंतर्गत एएसआई पवित्र मोहन पटनायक गोविंद चरण दास नामक जड़े साधु को अपमानित करते धमक देते तार उपरे एतला दिखाई विभिन्न स्थान में अभियोग कराई साधु संत माने धारणार मध्ये बसछन्ती, किंतु दुर्भाग्यवशत प्रशासन वर्तमान सुधा अभियुक्त विरुद्ध रे कोनोसी दृढ़ कार्यानुष्ठान ग्रहण करिनथिबा आमर दृष्टिगोचर हेछि। हिंदू महासंघ तरफ राज्य सरकार को चेतावनी दउछु, हिंदू साधु संत मानकर उपरे जो अत्याचार होछि तार जदि आसु समाधान करा जिवो नै हिंदू महासंघ तरफ राज्य व्यापी आंदोलन।